लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं मुक्तर की पवित्र धरती के ऊपर उन चालीस मुक्तों पर श्रद्धांजलि देने के लिए, जिन चालीस मुक्तों ने अपनी शहादत दी थी उन सब लोगों को इस पवित्र धरती पर आज श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मांगे जाते क्योंकि उन अफसरों को डर है कि अगर हमने पैसे मांग
कि हमारे एक मंत्री ने किसी से 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है। वो आदमी मेरे को रिकॉर्डिंग देकर गया, मैंने और मनीष ने रिकॉर्डिंग सुनी, पता चला कि आवाज मेरे मंत्री की थी। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, किसी भी विपक्षी पार्टी वाले को नहीं पता था, केवल मेरे को पता था और मनीष को पता था। अगर मैं चाहता तो उसको छुपा देता जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं। मेरे को पता चला मेरे मंत्री ने 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, ली भी थी, केवल मांगी थी। दोस्तों, अगले दिन सुबह मैंने उस मंत्री को हमारे मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया।
लेकिन आज इतने साल बीत जाने के बाद भी सिखों को न्याय नहीं मिला। इस दौरान बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, पंजाब में अकालियों की सरकार आई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। इतने साल तक ये बोलते रहे एसआईटी बननी चाहिए, एसआईटी बननी चाहिए, कांग्रेस ने भी नहीं बनाई, बीजेपी ने भी नहीं बनाई, अकालियों ने भी नहीं बनाई। जब पिछले साल 49 दिन के अंदर हमारी सरकार बनी, 49 दिन के अंदर हमने सिखों के कत्लेआम के ऊपर एसआईटी बनाई थी। दोस्तों, और नरेंद्र मोदी जी ने अब अपनी एसआईटी बनाई है ताकि मैं सिखों के लिए एसआईटी ना बना पाऊं। और जो मोदी जी ने एसआईटी बनाई है वो आज 10 महीने हो गए उसको बने हुए, उसने कोई काम नहीं किया। सिखों पे न्याय के लिए तड़प रहे हैं, विधवाओं की कॉलोनियां है, उनको आज तक न्याय नहीं दिया गया। जैसे ही हमने सरकार बनी हमारी, हमने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा को वहां पर बांटा है। यह सारा पैसा कहां से आता है? पुरानी सरकारों में जब सिख पीड़ित परिवार पैसा मांगते थे, सरकारें कहती थी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हमारे पास पैसा कहां से आया? क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो दोस्तों पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा इसी को मिल जाती है। आज पंजाब का किसान आत्महत्या कर रहा है, बड़े दुख की बात है। पूरे देश के अंदर पंजाब का किसान अपनी मेहनत के लिए जाना जाता था, अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था, आज वही पंजाब का किसान आत्महत्या कर रहा है। अभी पिछले हफ्ते मेरे को पता चला एक किसान ने आत्महत्या की और उसी दिन उसकी बेटी की शादी थी दोस्तों, और सवेरे सवेरे उस किसान ने आत्महत्या कर ली। उधर दिल्ली के अंदर किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं पंजाब में? क्योंकि जब उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है तो सरकार कितना मुआवजा देती है? किसी को 100 रुपए। मैंने कई पंजाब के किसानों से बात की, किसी को 15 रुपए का मुआवजा मिला है, किसी को 18 रुपए का मुआवजा मिला है, किसी को 150 रुपए का मुआवजा मिला है। दिल्ली के अंदर 20 बार किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। जब किसान मेरे पास आए, हम लोगों ने किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया था, 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। आज तक भारत के इतिहास में किसी भी सरकार ने कभी भी किसानों को इतना मुआवजा नहीं दिया। यह कोई हमने एहसान नहीं किया किसानों के ऊपर, यह आपका हक है। आप सरकार को वोट क्यों देते हो? आप सरकार को वोट इसलिए देते हो क्योंकि कल अगर आपके परिवार के अंदर कोई तकलीफ हो तो सरकार की जिम्मेदारी है कि आपके काम आए। यह आपका पैसा है। मैंने वही पैसा दिल्ली के किसानों को वापस किया दोस्तों। दिल्ली के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी, लेकिन दिल्ली के अंदर एक भी किसान को मैंने आत्महत्या नहीं करने, एक भी किसान को आत्महत्या नहीं करने दी। आज यहां पर कि पंजाब बदलना है और आने वाले टाइम में हम लोग बादलों को हटाएंगे और एक भी किसान को आत्महत्या नहीं करने के देंगे। तो किसान को हमारे सिपाही फौज की फौजी हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमारे हम लोग रात को चैन से इसलिए सोते हैं क्योंकि हमारे सिपाही बॉर्डर के ऊपर दुश्मनों से हम लोगों की रक्षा करते हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर ऐसा कोई सिपाही शहीद होता है तो उसकी देखरेख हम करें, उसके परिवार की देखरेख हम करें। हम उनको कुछ लाख रुपए देकर और सोचते हैं सरकार कुछ लाख रुपए देकर अपना पेट फुला लेती है। भगवान ना करे कोई शहीद हो, लेकिन दिल्ली के अंदर हमने पुलिस वालों के लिए और फौजियों के लिए कि अगर कोई भी पुलिस वाला और कोई भी फौजी ड्यूटी करते वक्त शहीद हुआ तो उसके परिवार को
मैं आप
दिया मेरे दोस्तों। अभी कुछ महीने पहले कोटकपुरा में गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ बेअदबी की गई। गुरु ग्रंथ साहिब जी केवल सिखों का ग्रंथ नहीं है, सारे धर्म धर्मों के अंदर इनकी बड़ी इज्जत है। हिंदू भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की उतनी इज्जत करते हैं, मुसलमान भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की उतनी इज्जत करते हैं, क्रिश्चियन भी गुरु ग्रंथ साहिब की उतनी इज्जत करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर अपने गुरुओं का संदेश है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। जब गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की गई, दोस्तों सबसे ज्यादा दुख मेरे को पहुंचा। मैं दिल्ली में अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके वहां पर पहुंचा और मेरे को पता चला कि कुछ लोग जो वहां पे बड़ी शांति के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पे जो शांति के साथ लोग बैठे हुए थे, उनके ऊपर बादलों ने गोली चलवाई और फिर लोगों की मौत हो गई। आज यहां पे कसम खाते जा रहा हूं मैं आप सब लोगों के सामने, अगली साल जब आम आदमी की सरकार बनेगी, जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी करी थी उनको जेल ना भेजा तो मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है।
Take it.